हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 2, और हमने यूनिट नंबर 2 में कवर किया था ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी शंट, जी6पीडी डिफिशियंसी, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे भी हम कवर कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। देखो, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही आता है। जनरली से 2 मार्क्स में ही आता है, पर अपन 5 मार्क्स तक का कंटेंट देखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से। तो बिना देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती क्या है। ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, ठीक है। हमने देखा था कि ग्लाइकोजन कैसे सिंथेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन कैसे टूट रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है या ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसी बीच में जो एंजाइम्स काम आ रहे हैं, अगर वो एंजाइम रहे ना तो फिर आपको हो सकती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एंजाइम में डिफेक्ट आता है तो होती है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, विच कैन बी जनरलाइज और टिश्यू स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक हो सकती है। नाउ टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, यहाँ पे आपको टाइप्स दे रखे हैं। टाइप 1 में आता है वॉन गिर्क डिजीज, हमने ऐसे याद रखा था, देखो वॉन गिर्के, ठीक है। टाइप 2 में आता है पॉम्पी, टाइप 3 में आता है कोरी, टाइप 4 में आता है एंडरसन, और टाइप 5th में आता है एमसी एडल, ठीक है। तो ये एमसी का मतलब मेंसुलेशन साइकिल और गाली नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो इज्जत से बोलो। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कितने तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ठीक है। टाइप 1 जो होता है वो होता है वॉन गिर्की डिजीज, ऐसे याद रख लो, वॉन जो है गिरिया, वॉन गिर्के डिजीज। टाइप 2 जो है पॉम्पी डिजीज, टाइप 3 जो है कोरी डिजीज, एंड टाइप 4 जो है एंडरसन डिजीज। नाउ वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है वॉन गिर्के डिजीज, कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। हमें पता है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो ही क्यों रही है, क्योंकि एंजाइम की डिफिशियंसी होगी। अब यहाँ पे कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की। अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी हो जाए तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। देखो नाम से पता लग रहा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, तो किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा, मानो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज नहीं रहा, ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ग्लूकोज में, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा था। अब ये एंजाइम रहा ही नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बढ़ने लग जाएगा। हमारी बॉडी में धीरे 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 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज अब काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट लीड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इंक्रीमेंट इन अवर बॉडी, और ये जो है लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो कि बढ़ चुका है बॉडी में, ये लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारी लीवर की साइज को बढ़ा देता है, जिसको हम बोलते हैं हेपाटोमिगेली, ठीक है। हमारे लीवर को बढ़ने को, हमारी लीवर के साइज में बढ़ने को हम बोलते हैं हेपाटोमिगेली। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ग्लूकोज में। और ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम जो है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम जो है काम नहीं कर रहा। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बढ़ रहा है बॉडी में और ये लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है और हेपाटोमिगेली कर रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, दिस कॉज हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड शुगर। अब एक बात बताओ, अगर ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है कन्वर्ट ही नहीं हो रहा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज जो है कम बनेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, तो ग्लूकोज बन ही नहीं पा रहा, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की भी कमी होगी। देखो, दैट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो का मतलब कम, मतलब लो ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है कम हो जाएगा,
यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट लिखा है कि दिस ऑल्सो कॉज हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपर यूरेसीमिया। इससे हमें और क्या हो सकता है, एक तो हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है और एक हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है, ठीक है, और फैट और प्रोटीन का कैटाबोलिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इसी डिजीज में हो रही है, वॉन गिरके डिजीज में, जहां पर ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है कन्वर्ट नहीं हो पा रहा ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम की कमी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडी में और ग्लूकोज जो है कम होता जा रहा है। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज जो फोस्फेट है वो अगर बढ़ेगा तो हमारे लीवर में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, लीवर की साइज बढ़ जाएगी, दैट इज नोन एज हेपेटोमिगेली, एंड उसकी वजह से ग्लूकोज भी नहीं बन पा रहा तो लो ब्लड शुगर लेवल। ओके, नाउ सेकंड इज पोम्पी डिजीज। पोम्पी डिजीज क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पे ग्लाइकोजन गेट बिल्ड अप इन बॉडी सेल, हमारी बॉडी की सेल्स में ग्लाइकोजन जो है बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि ये जो एंजाइम है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये जनरली तो क्या करता था, ग्लाइकोजन को तोड़ता था, पर अब हमें बीमारी हो गई, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी की सेल में ग्लाइकोजन बनना शुरू हो गया, ठीक है, और इस टाइम हमारे पास ये एंजाइम नहीं है, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम नहीं है, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन टूटेगा ही नहीं और ग्लाइकोजन बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पॉम्पी में। नाउ नेक्स्ट इज कॉरी डिजीज, ये टाइप 3 डिजीज है और यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी हो जाती है। डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज, कौन सा होता है, अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज, और इसकी कमी होने की वजह से जो ग्लाइकोजन बनता है वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का बनता है, ठीक है, क्योंकि वहां से डी ब्रांचिंग नहीं हो पा रही, हमारे ग्लाइकोजन की डी ब्रांचिंग नहीं हो पा रही, तो बड़े बड़े ब्रांचेस उसमें रह जाएंगे, ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन बनता है वो एबनॉर्मल बनता है। कौन सी डिजीज में? कोरी डिजीज में। देखो नॉर्मली तो हमें बता रखा है कि ग्लाइकोजन जो है ब्रांच होता है और डी ब्रांचिंग उसे कट करके 16 पोजीशन से कट करके रिलीज कर देता है तो हमारा ग्लूकोज बन जाता था, पर यहाँ पर अब डी ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम जो बॉन्ड है वो अनकट रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जनरली नॉर्मली क्या होता है कि ग्लाइकोजन ब्रांच होता है, पर यह डी ब्रांचिंग एंजाइम उसे कट कर देता था और ग्लूकोज बन जाता था, पर अब इस कंडीशन में जब डी ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं, डी ब्रांचिंग एंजाइम है ही नहीं, तो डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी में क्या होगा, बॉन्ड कट नहीं होंगे और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, वो भी एबनॉर्मल। कैसा ग्लाइकोजन? एबनॉर्मल ग्लाइकोजन, यहाँ लिखा हुआ है एबनॉर्मल, ठीक है। दिस कॉज सेम सिम्टम्स लाइक वॉन गिरके डिजीज, और वॉन गिरके डिजीज में कौन कौन से सिम्टम आ रहे थे आपको, वैन गिरके डिजीज में आपको सिम्टम्स आ रहे थे जैसे लीवर बढ़ गया था, ठीक है, लीवर की साइज बढ़ गई थी, ग्लूकोज कम हो गया था ब्लड में, ठीक है, तो वही सब होगा। देखो ग्लूकोज प्रोड्यूस बहुत कम होगा, कोई फ्री ग्लूकोज नहीं होगा हमारे बॉडी में और इसकी वजह से हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। ये डिजीज थी आपकी नंबर 3 जिसका नाम है कोरी डिजीज, उससे पहले हमने पढ़ी पोम्पी और सबसे पहले हमने पढ़ी वॉन गिरके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 है एंडरसन डिजीज, ये टाइप 4 है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, बिल्कुल वही है, कॉज बाय डिफिशियंट एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। यहाँ पे जो ग्लाइकोजन को ब्रांच करने वाला एंजाइम है ना, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, वो खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, नाम लिखना है, सामने एंजाइम लिखना है, और देखो ये जो है ना आपका कोरी डिजीज, ये तो आपको सेम उसकी तरह मिल जाएगा सारे सिम्टम्स आपको, कि यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह नहीं है, वॉन गिरके की तरह, ठीक है। और एंडरसन में क्या है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ये तो सबको पता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफिशियंट हो जाती है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, ये जो ग्लाइकोजन को ब्रांच करने वाली एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन सही से ब्रांच नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, ग्लाइकोजन का। दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल ग्लाइकोजन, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो रही, और ब्रांचिंग नहीं हो रही तो डी ब्रांचिंग भी नहीं होगी, मतलब नॉर्मल ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, तो एबनॉर्मल जो ग्लाइकोजन रह गया हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट हो जाएगा लीवर में, मसल में, और अगर लीवर में डिपॉजिट हुआ तो हेपेटोमिगेली, लीवर का साइज बढ़ेगा, वही सब बातें हैं घुमा फिरा के। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल एमसी आइडल डिजीज, या फिर आप इसे बोल सकते हो हर्स डिजीज, ओके। यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की कमी हो जाती है,
और मसल में हम बोलते हैं एमसी हर्डल और हेपाटिक। अगर लीवर में डिपोजिशन हो जाता है तो हम बोलते हैं हर्स डिजीज। तो लीवर की साइज बढ़ती है तो हर्स डिजीज बोलेंगे, ठीक है। किस कंडीशन में? ये एमसी हर्डल वाली टाइप 5 जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, उसमें। अगर मसल में होता है तो मसल में आपको क्रैम्प देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर ये ही आपको हर्ट्स में होता है तो वहां पर आपको हेपेटोमेगेली मतलब लीवर का साइज बढ़ेगा और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। जैसा कि मैंने कहा था, अगर लीवर में होगा तो लीवर का साइज तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनते टाइम कौन कौन से एंजाइम जो है दिक्कत दे रहे हैं, और अगर उन एंजाइम की कमी हो गई तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा नहीं और ग्लाइकोजन जो है एबनॉर्मल रह जाएंगे। जैसे मान लो डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं रहा तो ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग हटेगी नहीं, और ग्लाइकोजन का अगर कोई ब्रांचिंग एंजाइम नहीं रहा तो ग्लाइकोजन पे ब्रांचिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। और सबसे पहला जो अपने देखा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इनिशियल स्टेप है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बनाना है आपको तो आपको चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, और अगर ये नहीं रहेगा तो वही हेपेटोमेगेली, हाइपोग्लाइसीमिया, वही सब, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे 1 2 3 4 5। वैसे तो ये 2 मार्क्स में आता है पर 5 मार्क्स में भी आता है, इसलिए मैंने आपको पूरा कंटेंट अच्छे से समझा दिया। इसके नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने बायोलॉजी 11th की, केमिस्ट्री 11th 12th की, बायोलॉजी 11th 12th की पूरी क्विक रिविजन सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करा रखी है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, जरूर सजेस्ट कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा उन्हें जो भी एस्पिरेंट्स है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।